अधिकारी चाहे MD या CEO या जो भी उसका होता है ऑफिसर रैंक आदमी, वो जाता है पार्टिसिपेट करता है और अपना प्राइज बताता है कि इस उस प्रोजेक्ट को हम कितना मिलेंगे। तो हर कंपनी अपने अपने दाम लगाती है और जिसका बोली सबसे ज़्यादा होता है उस प्रोजेक्ट उस कंपनी को दे देता है और सरकार उसको एक एग्रीमेंट होती है कि आपको कितना साल में हमें बना कर देना है, उतने ही साल में कंपनी उसको बना कर देनी होती है और पैसा भी गवर्नमेंट उसी के बेसिक पर देती है जितना खर्च होता है। पहले देगी 40%, फिर देगी 20%, फिर 20%। अब ऐसा मिलता है लेकिन कभी कभी कुछ अलग भी हो सकता है। तो ये देखिए गंगा नदी है, ये अभी सूख गया है, यहाँ तक पानी का लेवल कम हो गया है लेकिन जब बरसात का सीजन आता है तो पूरा पहुँच जाता है वहाँ तक। और इसमें आप जब भी कभी आओगे ना, इसमें हमेशा ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेगा 10, 12, 15, दिख रहा है कि नहीं? देखिए और जो सामने दिख रहा है, सामने छठ का आज फेस्टिवल है जिसको सिंपल भाषा में लोग चैती छठ बोलता है। भारत में छठ दो समय होता है, एक होता है वो नवंबर में या अक्टूबर में, उसमें सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, और एक अभी के छठ होता है जो अभी सिर्फ 2% लोग ही छठ करता है, लेकिन चैती छठ में लोग 100% लोग यूज करता है, स्पेशली बिहार और UP के लोग और झारखंड के लोग। लेकिन छठ अब नेशनल लेवल का फेस्टिवल हो चुका है, ये बिहार UP झारखंड से बाहर निकल के दिल्ली मुंबई कलकत्ता बंगाल ये भारत के जितने भी शहर और राज्य हैं वहाँ तक पहुँच चुका है। और क्योंकि जब बिहार के लोग जब बाहर जाता है ना काम करने तो कभी कभी वो लोग आ पाता है, जब वो लोग फैमिली लेके वहाँ जाता है तब वो लेके नहीं आ पाता है वहाँ फैमिली टाइम पर, तो इसीलिए लोग वहीं पे छठ करना शुरू कर दिया, तो वो एक ट्रेंड बन गया। हाँ भाई अब यहीं पे छठ हो रहा है तो घर क्यों जाएं, तो यही चीज़ है। और ये ब्रिज है, ये 2016 से इसका काम हो रहा था, जब हम पटना पढ़ते थे और आते थे बस से तो बहुत जाम रहता था, क्योंकि हम जाते थे बस से और एक लेन ब्लॉक था क्योंकि काम हो रहा था और एक लेन ऑन था, ये वाला लेन। तो ये जो ब्रिज है 1972 में से काम शुरू होता है और 1982 में से काम ख़त्म होता है, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, सरकार किसी का को मतलब नहीं है, इंदिरा गांधी ने इसको उद्घाटन किए और उसके बाद से लोगों को इसको यूज करने के लिए दे दिया गया। अब हम इस कंपनी के बारे में बात करते हैं जो कंपनी बनाई थी, उसका नाम मुझे याद नहीं रही यार, लेकिन उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है इतना मुझे याद है। देखिए उसमें नाव चल रही है और इस साइड स्टीमर भी है, लेकिन ये ब्रिज के जो पिलर है ये जो ब्रिज का उसके चलते नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा कभी जब उधर से जब वापस आएंगे ना तो आप लोग देख सकते हैं। स्टीमर तो दिखता है लेकिन अभी स्टीमर यहाँ से दिख नहीं रही है क्योंकि पूरा हाइड हो गया। और देखिए नाव, देखिए आप नाव भी चल रहा है, देखो सामने दिख रहा है नाव, शायद आपको नहीं दिख पा रही है। और इस ब्रिज पर हम लगभग 40 मिनट से चल रहे हैं अभी कंटिन्यू, और धूप लग रहा है, टाइम हो गया है 11:30, तो 12 बजने में आधा घंटा कम है, हमें लगता है कि 12 बजेगा तब तक हम पहुंच जाएंगे, मैंने इस ब्रिज को क्रॉस कर लेंगे। और अभी हम चल रहे हैं 0 माइल, वहाँ से हमको जाना है नालंदा यूनिवर्सिटी की ओर और हम पैदल चलते हैं। आपको मालूम होगा क्योंकि अगर आप वीडियो में देखते होंगे तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं देखते होंगे तो आप जान लीजिए।